But yeah, this Christmas, no tree. दोस्तों कैसे हाल चाल है, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होंगे, हो जाएंगे। एक बज चुका है ऑलरेडी। सो आज हिम्मत स्कूल ले गया है क्योंकि हिम्मत की तबीयत थोड़ी खस्ता है। हमारे अल्बर्टा में एवरी अदर किड हो गया है बीमार, इतना ज़्यादा कंसर्न हो गया है कि आपको कहीं पे भी टैलेनॉल या एडविल जो कि काउंटर पे दवाइयाँ मिलती हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। इवन अब एंटीबायोटिक्स भी ख़त्म हो चुकी हैं। सो बहुत ज़्यादा स्केरी है। हिम्मत को थोड़ा फीवर एंड कफ है। बच्चे बहुत इजीली बीमारी लेके आ जाते हैं स्कूल से, एंड हम, मैं और हस्बैंड कंट्रोल कर रहे हैं कि हम उससे दूर रहें और उसे फिक्स करें। सो इसलिए वो स्कूल नहीं गया है एंड वो कर रहा है आराम। हिम्मत को दवाई खिलाना भी ना एक बहुत तगड़ा हैसल है। सो बाहर दवाइयाँ मिल नहीं रही हैं। आई होप कि आपके बच्चे सेहतमंद हों एंड उनका ख्याल रखें और अपना भी। और अब मैं क्या करने वाली हूँ, अपने लिए एक चाय का कप बनाने वाली हूँ। सो सुबह से लेके अब तक मैंने खाए हैं बॉयल एग 2 बिना फैट के, और अब मैं चाय पीने वाली हूँ और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आज क्या कुक करना है। सो व्लॉग मैस है, कोशिश करेंगे कि एवरी डे वीडियो अपलोड हो, पर मुझे पक्का पता नहीं है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं क्योंकि इस महीने बहुत सारी हलचल होने वाली है एंड आई डोंट नो हम लोग कर पाएंगे या नहीं। बट एक बैड न्यूज़ है, वो है कि इस व्लॉग मैस हमारे पास क्रिसमस ट्री नहीं होने वाला है क्योंकि जब हमने मूव किया था तो मैंने हमारा क्रिसमस ट्री गिव अवे कर दिया था क्योंकि हमारा जो क्रिसमस ट्री था वो 7 feet का था और मुझे थोड़ा लंबा चाहिए था, 8 feet समथिंग। और वैसे भी उस ट्री को हमने 4 years यूज़ कर लिया, तो मैंने सोचा कि अब मैं जो लूँगी नया लूँगी। एंड ऑल्सो इस पर मैं ट्री लेना चाहती थी जिसमें लाइट्स भी अंदर ही हों और मुझे अलग से लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े। पर बिकेज हम इस मंथ ट्रैवल करेंगे तो मैंने शॉपिंग नहीं की है ट्री की। सो अगले साल ही आएगा ट्री। सो पिछले साल भी नहीं आया क्योंकि हमने मूव करना था एंड घर सेल कर रहे थे। तो 2 साल हो चुके हैं कि हमारे घर में ट्री नहीं आया है। मुझे ट्री बहुत अच्छा लगता है। जब घर में आप ट्री लगा के उसकी डेकोरेशन करते हैं, ऑर्नामेंट्स टंग देते हैं ना, तो एक अलग हॉलीडे वाली बहुत ही अच्छी वाइब आती है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। एंड इस बार हमारे फायरप्लेस भी है हमारे घर में और उसके पास मैं ट्री लगाती। सो दैट्स अबाउट ट्री कि इस बार हमारे घर में ट्री नहीं होने वाला है। सो चाय की मशीन रेडी है, इसमें से स्टीप टी का कप डाल लेंगे एंड एक कप चाय बना लेते हैं अपने लिए। थोड़ा सा हनी ऐड करेंगे, चीनी नहीं करेंगे हम लोग ऐड। एंड मैंने इसमें ना टी बैग भी डाला है थोड़ा मसाला चाय वाला, इसमें अदरक है एंड अच्छी हर्ब्स हैं तो अदरक का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। वैसे मैं फ्रेश अदरक भी ऐड कर लेती हूँ समटाइम, आज नहीं करूँगी मैं। इसके बाद मैं चाय की ब्रेक के बाद ना मैं वीडियो एडिट करने वाली हूँ, वो है कि मैं अपने आप अपनी बॉडी को कैसे हील कर रही हूँ मेरी डिजीज़ से। और बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी टिप्स हैं पर वो मुझे काफ़ी हेल्प कर रही है। और काफ़ी समय हो गया कि मैं वीडियो अपलोड करना चाहती थी पर फॉर सम रीजन मैंने नहीं की। सो अगर आपने वो नहीं देखी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखूंगी, ज़रूर से देखना कि आप किसी भी डिजीज़ को कैसे हील कर सकते हैं एंड स्पेसिफिकली मेरी डिजीज़ को मैं कैसे हील कर रही हूँ। हिम्मत खंग रहा है, लाल कोटी। स्कूल, हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म में विंटर्स में रेड स्वेटर पहनते थे सारा वीक, सिर्फ मुझे लग रहा सैटरडे एंड वेनसडे वाइट पहनते थे। और इस रेड स्वेटर को इतना पहना मैंने इतने सालों तक, 10th तक पहना कि रेड स्वेटर पहनने के लिए बिल्कुल मन नहीं करता था। सो अब मुझे पहन के भी ऐसा लग रहा है कि मैं ना स्कूल के लिए पूरा रेडी हो गई हूँ स्कूल जाने के लिए। सो लेट्स गो टू स्कूल। सो मैंने ना अपने लिए ये पिद्दा सा टेबल रख लिया है यहाँ पे बैठने के लिए फायरप्लेस के पास, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं यहाँ पे चेयर्स भी रख लेती हूँ समटाइम्स, पर मुझे ना बचपन से आदत है अग दे कोल बैठने से, मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे अग जलानी आती नहीं थी बचपन में, पूरे हैंड्स काले हो जाते थे, मुँह मेरा पूरा वो एशेस से भर जाता था एंड एंड में हार के फिर मुझे सारे हाथ पैर धोने पड़ते थे, फिर मैं ठंडी हो जाती थी। सो मुझे अग सेकने से बहुत मज़ा आता है। मुझे लगता है कि जब आग अच्छी बल रही हो ना तो फिर मैं अपनी सॉक्स के साथ अपने पैरों को भी सेक सेक के मेरी सॉक्स को भी जला लेती थी। सो कहने का मतलब है कि मुझे आग के नज़दीक से नज़दीक बैठने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने टेबल रखा है, इसके पास बैठ के अपने चाय के कप की चुस्कियाँ लूँगी मैं। और ये है मेरा चाय का कप। यार अपने घर में बैठ के ब्यूटीफुल कप चाय का पीना एंड आग सेकना, इससे ज़्यादा कम्फर्टेबल कुछ नहीं है, इतना मज़ेदार है ना। सो मच ग्रैटिट्यूड आई हैव फॉर दिस फीलिंग। I've always been so invisible.
आप कितना सारा कुछ है? Healthy cooking, healthy life, healthy husband, healthy wife. ओके गाइस, मैं अपना स्नैक इत्थे बैठ के खाना वे. मैं अपने हस्बैंड तो ना वी फुट की दूरी पर ही रहनी हूँ अजकल. देयर ही इज एंड हियर आई एम. सो मैं खाने वाली हूँ एक टोस्ट और ऊपर पूरा एक एवोकाडो है, सॉल्ट पेपर एंड हॉट सॉस. हे मनु ना, मैं सुला के आई हूँ क्योंकि सोने से उसकी बॉडी जल्दी रिकवर करेगी, क्योंकि वो रात को बहुत अच्छा सोया नहीं था. सुबह 5 बजे उठ के कफ कर रहा था, वॉशरूम जा रहा था, तो वो आराम से सो गया. इसलिए धीरे बोल रहा हूँ. मैं आकर के कॉल पे आ गया अपना स्टैंड नाइस एंड कोजी. Okay, Daddy, I'm gonna sing a song for you. Okay. Okay, guys, मैंने एक गाना तैयार किया है हस्बैंड के लिए. I hope उनको अच्छा लगेगा. Daddy, थोड़ा romantic song ना, थोड़ा शायर नहीं feel करोगे? Okay, guys, मैंने अब आपको आपके साथ कभी share नहीं किया है कि मैं काफी अच्छा गा लेती हूँ. रब दी दुआ है, उस्ताद जी. तू तो मैंने सिद्धू मूसे वाला है भी. तू तो मैंने नाम नहीं कभी share किया. So, मैं अच्छा गा लेती हूँ और आज मैं रिवील करने वाली हूँ कि मैं कैसे गाती हूँ. सिद्धू का नाना ले तू और कोई उस्ताद उतार ले अपना. क्या ला भाई, की तो बंदा है मेरी जिंदगी जे. सो सिद्धू का नाम लेना शुरू कर दिया. ओके, ये मन तेरी करतू से पता वो गाना इतना था मेरे ने जचना है. बब्बू का नाम है. शो ऑफ मेनु का नाम है. बब्बू का नाम है. ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਚਲੰਜਰ ਬੜੀ ਤੇਜ ਤੇਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਨ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਂਗੂ ਚਲਾਉਂਦਾ. ਸੋਹਣੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ. ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਆ? ਲਾਈਕ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ. ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਬ੍ਰਾਂਟਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ. ਬ੍ਰਾਂਟਨ ਚ ਲੋਕੀ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਦੇ ਆ. ऑलरेडी दोस्तों, अगर आपने ये गाना नहीं सुना है तो सुन ले, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है ये गाना. बहुत ही ज्यादा मजेदार, बहुत ही सुरों के नजदीक का गाना है ये. आप बताना मुझे आपको अपनी आवाज़, मेरी आवाज कैसी लगी, क्या मैं सिंगर बन सकती हूँ. अगर मेरी आवाज आपको अच्छी लगेगी तो मैं इतनी क्लोज हूँ सिंगर बनने के. कल नहीं मैं गाना गा दूंगी. अगर सिंगर ना बन तू बन जा उस्ताद बन के लोगों को सिखाया कर कैसे गाना. ओके, सो काफ़ी समय के बाद आई हूँ मैं. हिम्मत ने अच्छा नैप ले लिया. हिम्मत 2 बजे सोया था, अराउंड 4:30 उठा वो, और अभी भी वैसे बहुत अच्छा फीलिंग कर रहा, पर वो कह रहा है कि मैं पहले से बेटर हूँ. थोड़ा खांसी भी वो पहले से कम कर रहा है, और अभी मैंने उसको फ्रूट्स दिए हैं, उसने खा लिए हैं. उसके लिए मेरे पास खिचड़ी है जो मैंने अर्लियर बनाई थी, वो खिचड़ी खा लेगा. और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या खाऊँ. लेफ्ट ओवर राइस हैं कल के, सोच रही हूँ उसको फ्राइड राइस जैसे बना लूँ, क्योंकि उसमें हम ऐड करेंगे कैबेज एंड रेड ग्रीन पेपर एंड पास से बहुत ही प्यारा सा वॉक. इसमें तड़का लगाएंगे हम. एंड मैंने लाइट ज़्यादा ऑन नहीं करके रखी है, क्योंकि मुझे ना किचन में कम लाइट अच्छी लगती है. ये 3 लैंप ही जल रहे हैं, ये पीली रोशनी देते हैं. पहले मुझे डे लाइट रोशनी ज़्यादा अच्छी लगती थी, बट अब मुझे पीली रोशनी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो मूड सेट कर देती है सोने का. अदरवाइज ना अवेक रहती हूँ मैं. आपको मैंने कई बार बताया होगा कि मुझे नींद की प्रॉब्लम है, मुझे बहुत अच्छी नींद नहीं आती है. तो जब मेरे घर में डे लाइट जैसी रोशनी चमकती है ना, तो नींद सारी उड़ जाती है. सो ये काफ़ी हेल्प करते हैं मुझे थोड़ा सूट करने के लिए. वॉक को मैंने रख लिया है. इसमें ऐड करेंगे ऑयल. तड़के के लिए बेसिकली हम ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, और अनियन नहीं काटे हैं मैंने, क्योंकि मैं अनियन की फ़ैन नहीं हूँ. मुझे अनियन अच्छे नहीं लगते हैं, क्यों मुझे नहीं पता. उसका फ्लेवर ही मुझे अच्छा नहीं लगता है.
अगर मुझे अनियन चीज़ों में डालने होते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरह वेल कुक करती हूँ ताकि उनका कच्चापन मुझे बिल्कुल फील नहीं। पर आज के लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास ये डिहाइड्रेटेड अनियंस है सो ये ऐड कर दूंगी, ये बाद में जब कुक होते हैं ना तो अच्छा हो जाता है और बहुत ही पिद्दी साइज है इसका। सो सबसे पहले हम ऐड कर देंगे पेपर, क्योंकि पेपर को कुक होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, अराउंड 5 सेकेंड्स अराउंड 35 सेकेंड्स के लिए कुक करेंगे। देन हम कैबेज को भी ऐड कर देंगे। कोई ऐसे रेसिपी को फॉलो नहीं करने वाली हूँ मैं, ऐसे इतना बढ़िया कुक हूँ मैं, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऐसे ऐसे करूँ अच्छा कुक हो जाता है। तो बस मेरी तो ना फूड को झलक ही मिल रहा है कि चीज़ है स्वादिष्ट बन जाता है। दो काम करने एक साथ मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, कुक करना एंड वीडियो बनाना। सो वीडियो ज़्यादातर ट्राईपॉड पे हो तभी मैं बना सकती हूँ, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा बार मैं कुकिंग की वीडियोस बना नहीं पाती हूँ क्योंकि इट्स टू मच वर्क। सो मैंने इसमें कैबेज ऐड कर दी है, अब हम इसमें सीजनिंग ऐड कर देंगे, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। इसके बिना मैं और कुछ ऐड नहीं करूँगी, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं। फिर उसके बाद हम थोड़ी सी सोया सॉस एंड ग्रीन चिली ऐड कर देंगे, दैट्स इट। और मुझे ब्लैक पेपर का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बेसिकली मुझे लगता है कि मैं हर चीज़ में ब्लैक पेपर का तड़का ज़रूर से लगाती हूँ। ब्लैक पेपर आपके लिए बहुत अच्छी होती है, इन्फ्लेमेशन के लिए भी, और भी बहुत सारे अच्छे काम करती है आपके ब्लड को क्लीन करने के लिए। और इसी पॉइंट पे थोड़े से डिहाइड्रेटेड अनियन भी ऐड करेंगे क्योंकि हस्बैंड भी खाएंगे और उन्हें अनियन का फ्लेवर अच्छा लगता है। सो हीट को थोड़ा तेज़ करके इसको सौते कर लेंगे। आई होप आप मुझे सुन पा रहे होंगे क्योंकि ये पंखा चल रहा है, और पंखा नहीं चलाओ तो हमारा वो चलना शुरू हो जाता है फायर अलार्म, उसे पता चल जाता है कि कुछ ना कोई गड़बड़ है। जो हमारा फायर अलार्म है ना वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि इतनी सी स्मोक जो हमें दिखती भी नहीं है उसको दिख जाती है और वो बजना शुरू हो जाता है। तो एक चीज़ से तो अच्छा है कि फायर से बच जाएंगे, पर कई बार बहुत ज़्यादा अनोइंग भी हो जाता है, तो मैं हमेशा एग्जॉस्ट को चला के रखती हूँ जब भी मैं कुक। तो मैं ब्रोकली को भी थोड़ा सा कर रही हूँ, राइस जो है वो प्लेन नहीं है, थोड़ा सा जीरा ऐड किया था उसके वाले, पर चलेगा। सो राइस को बिना मिक्स किए जो भी मैं सॉस ऐड करना चाहती हूँ इस पॉइंट पे कर दूँगी, देन मैं मिक्स कर लूँगी। सो मैं ऐड करूँगी डार्क सोया फ्रॉम चिंग्स। एक तो ना मेरे हाथ इतने मजबूत नहीं है क्योंकि उंगलियाँ मेरी मेरे हाथों में पेन रहती है ना दोस्तों, पेन तो अब कम है पर हाथ ना मेरे चीज़ें इतनी अच्छी तरह ट्विस्ट नहीं कर पाते, और हस्बैंड घर पे है नहीं, आई होप मैं कर पाऊँगी, इसीलिए ना बहुत ज़्यादा टाइट बंद नहीं करती हूँ चीज़ों को। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ, मुझे आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इतनी खुशी की बात नहीं है वो, बट या उसने मेरी ज़िंदगी कई चीज़ों में मुश्किल कर दी है। वैसे मेरे घर का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना था मैं पहले, सारे हैंडी मैंडी काम करने मेरे ही होते थे क्योंकि मैं हर चीज़ कर सकती थी, पर अब बहुत सारी चीज़ें कर पाती हूँ मैं, बट ये है कि मैं नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि जब मैं कर लेती हूँ तो उसके बाद मुझे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लाइक मेरे जॉइंट्स में काफ़ी दिनों तक दर्द रहता है जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। सो टाइनी सी ग्रीन चिली ऐड करेंगे क्योंकि मैंने ग्रीन चिली नहीं पाई है। सो ब्रोकली को मैंने थॉ किया है माइक्रोवेव में, इसको भी इसी में ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा वाटर है इसमें, कोई बात नहीं, सब पकाया। अब ये सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, आई होप कि अच्छे राइस बन जाएंगे, लेफ्ट ओवर राइस से फ्राइड राइस। लेते हैं अपने लिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाऊंगी मैं, छोटू सा पोर्शन खाऊंगी। सो हिम्मत के लिए भी सर्व कर दूंगी, उसके लिए मैंने खिचड़ी बनाई है तो उसमें डाल लेते हैं। खिचड़ी को गर्म कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा वार्म हो जाएगी तो, क्योंकि दोपहर में बनाई थी मैंने, और हस्बैंड खाना चाहेंगे तो वो ये राइस भी खा सकते हैं, और वैसे उनको सिर्फ स्टीम सब्जियां खानी है।
तो खिचड़ी का तड़का मैंने देसी घी में लगाया था, बहुत ही सिंपल है, हिम्मत को अच्छा लगता है, वो आराम से खा लेगा। सो ये उसका पोर्शन हो। सो हिम्मत चाहता है कि उसको मैं फीड कर दूँ। हिम्मत को फीड करना बहुत ज़्यादा खतरनाक काम है, क्योंकि मैं नहीं बीमार होना चाहती। सो बिकॉज़ मैं भी खाना चाहती हूँ, तो मैंने उसको कहा कि तुम अपना खा लो, पर उसने कहा कि नहीं तुम खिलाओगे। तो खिला देंगे बेचारे को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो खाना खा ले। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो ये है मेरे खूबसूरत राइस। सो ट्राई करते हैं कैसे बने। इट्स नाइस, पर पिछले काफ़ी समय से हम बहुत ज़्यादा लाइट फूड खा रहे हैं, तो उसके हिसाब से मुझे ना थोड़े तेज़ लग रहे हैं ये। बट कैबेज का क्रंच बहुत अच्छा। ओके, सो हिम्मत को फीड करने वाली हूँ मैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो सारा फिनिश कर देता है, और बीमार बंदे का खाने के लिए ज़्यादा मन नहीं करता है, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि खिला ही देते हैं, अदरवाइज़ वो खा लेता है अपना खाना। ऐसे मत सोचना कि ओ व्हाई आर यू फीडिंग हिम, ही इज़ टू बिग एंड दैट, वो खा लेता है। तो कल ना बैठा ना या सेम है। ओके, सो मैंने और हिम्मत ने खा लिया है, तो अब आता है समय क्लीन करने का, जो कि मेरा फेवरेट है। मुझे बहुत मज़ा आता है क्लीन करने में, नहीं आता है। और हस्बैंड अभी तक घर नहीं आए हैं, वो अपने लिए लेने के लिए गए हैं कुछ ग्रॉसरी आइटम्स। वो कह रहे हैं मुझे फिश खानी है, तो सालमन शायद लेने के लिए गए हैं, आई डोंट नो। सो तब तक मैं क्लीन करके अपस्टेयर जाऊंगी, और आज हम जल्दी सोएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हिम्मत ज़्यादा रेस्ट करे। पर कल भी हिम्मत स्कूल नहीं जाने वाला है, कि आई वॉन्ट हिम टू रेस्ट। सो जल्दी से हमारे डिश वॉशर को फिल कर देते हैं, एंड देन वी आर फ्री फ्रॉम आवर जॉब्स। और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों। So this is my husband and he is doing meal prep. सारे रोल बन रहे हैं meal prep. So meal prep करने लग गए हैं। खूब सारी सैलमन बनानी शुरू कर दी इन्होंने, और उन्होंने ये हेल्दी खाते खाते इन्होंने ना वो कर दिया है, इन्होंने सीजनिंग काटो काट कर दी है। तो बिल्कुल सिंपल सादी सैलमन है इनकी, और ये थोड़ा रफ हैंड यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद एक और बैच बनेगा। प्यार तू है पतली होनी है वाली वाली, वैसे प्यार ये हैगी तो हैंडसम है वैसे, हमें झूठ बोलना। और एक दोस्तों, तो हस्बैंड का मील तैयार हो रहा है, वो खाएंगे, एंड अपना जो उनका मील प्रेप कर रहे हैं कल परसों के लिए, वो उसको फ्रिज में रख देंगे। एंड हिम्मत थोड़ा फन कर रहा है। अब मैं जाऊंगी अपस्टेयर्स, हिम्मत को देंगे विक्स की थोड़ी सी स्टीम, उससे उसकी नींद अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हिम्मत ने 2-3 घंटे का नैप लिया था दिन में। तो अराउंड 9 o'clock हम सोएंगे, लाइक आधे घंटे में, 30-40 मिनट्स में। सो आज के दिन के लिए बस इतना ही, मैं आपको कल मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। यू गाइस कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। प्लीज, 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 प्ल